नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लाहौर में सिख की बेटी को जबरन अगवा कर उसके साथ निकाह करने पर भारतीयों में पूरी तरह से रोष। सिरसा के सुभाष चौक में किया गया रोष प्रदर्शन। सरबजीत की बहन दलवीर कौर के नेतृत्व में ये रोष प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान व आतंकी गोपाल चावला के पुतले भी फूके। वहीं भारत सरकार से मांग की है कि सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। लाहौर में एक सिख ग्रंथी की बेटी को कथित तौर पर जबरन इस्लाम कबूल करवाने के मामले में आज सिरसा के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सरबजीत की बहन दलवीर कौर के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान व आतंकवादी गोपाल चावला का पुतला फूंका गया। इस रोष प्रदर्शन में सिरसा के अनेक गणमान्य लोग व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर दलजीत कौर ने कहा कि पाकिस्तान में लाहौर में एक बेटी को अगवा कर धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाह करवाया गया। इस घटना को लेकर के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बोलती क्यों बंद है? वहीं उन्होंने कहा कि इमरान खान एक तरफ तो ये कहता है कि सिख धर्म हमारी हिमायती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये घटना आखिर क्यों घटी? उन्होंने कहा कि घटना भारतीयों को बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद सिख आतंकवादी गोपाल चावला खामोश क्यों हैं? भारत सरकार से उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यूएन में उठाए इस मुद्दे को। जब तक सिख बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक उनका रोष प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अब देख रहे हैं अमर सिंह जानी के साथ पल पल की विशेष रिपोर्ट। कि पाकिस्तान के अंदर एक सिख लड़की को घर से अगवा करके जबरन उसका निकाह करना, जबरन उसका धर्म परिवर्तन करना, आज इमरान खान से हम पूछना चाहते हैं कि उसकी बोलती क्यों बंद है, जबकि वे बताता है अपने आप को कि मैं सिखों का हिमायती हूँ। वे बताता है कि मुझे भारत के साथ दोस्ती चाहिए, लेकिन आज उसके देश में ये सब कुछ क्या हुआ? जो हिंदुस्तान के हर नागरिक के बर्दाश्त की सीमा से बाहर है, इसलिए आज हम पूछना चाहते हैं उस गोपाल चावला से, आज पूछना चाहते हैं उस पन्नू से कि आज जो पाकिस्तान के अंदर घटना घटी, वे लोग खामोश क्यों हैं? जब तक हमारी बेटी वापस नहीं आ जाती, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, इमरान खान हिंदुस्तान से माफी नहीं मांग लेता, इसका अंजाम जो भी हो उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा, उसे हमारी बेटी को वापस देना पड़ेगा। जब तक वापस नहीं आती, संघर्ष जारी रहेगा। भारत सरकार की तरफ से किस तरह का प्रयास होना चाहिए? हाँ, भारत सरकार को उस पर दबाव बनाना चाहिए। यदि वे नहीं मानता तो यूएन में लेकर जाऊँ और जल्द लड़की वापस आनी चाहिए। एक घटना और भी इस तरह की हो चुकी है उसके बाद? हाँ, अभी सामने ये भी घटना आई कि एक हिंदू बेटी को भी उन्होंने अगवा किया, तो इमरान खान को शर्म होनी चाहिए, नाक धोप कर मरना चाहिए आज पन्नू को और चावला को, जिनके जो कि अपने आप को एक बहुत हमदर्द बनते हैं और पाकिस्तान के साथ उसका हाँ में हाँ मिलाते हैं, आज वे भी लोग चुप हैं। इनको चुप नहीं रहना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ ये निंदनीय है, इसकी जितने भी निंदा की जाए उतनी ही थोड़ी है। अब मैं पंजाब में करूंगी, जैसा कि हम सहनेवाल परसों करेंगे, उसके बाद निरंतर जारी रहेगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
जय।